हेलो दोस्तों, दक्षिण एटीएल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शांतनु। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको बिना ग्राफिक कार्ड के आप अपने पीसी में खेल सकते हो और या अपने लैपटॉप में भी खेल सकते हो। जो नॉर्मल आपका लैपटॉप है उसमें भी आप इन गेम्स को आसानी से खेल सकते हो। ये विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले गेम हैं दोस्तों, लेकिन कुछ गेम इसमें ऐसे भी हैं जो ग्राफिक कार्ड वाले हैं। लेकिन आप तब भी, अगर आपके पास पीसी में बिना ग्राफिक कार्ड है, मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं है आपके पीसी में या फिर लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, तब भी आप ऐसे गेम्स को आसानी से खेल सकते हो। बस आपको इसका ग्राफिक्स और जो रेजोल्यूशन है गेम का वो कम करना पड़ेगा, बाकी इन गेम्स को आप आसानी से खेल सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला गेम मैं आपको बता रहा हूँ वो है गियर ऑफ वॉर। दोस्तों, ये थर्ड पर्सन शूटर गेम है जो माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों, आप इस गेम को बिना ग्राफिक कार्ड खेल सकते हो। काफ़ी अच्छा गेम है। मैंने दोस्तों ये गेम को खेला हुआ है और काफ़ी लोग गियर ऑफ वॉर सीरीज़ को बहुत पसंद करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो पीसी में रिलीज़ हुआ था और दूसरे कंसोल्स में भी रिलीज़ हुआ। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कंसोल्स में रिलीज़ हुए हैं। हाँ, लेकिन गियर ऑफ वॉर 5 और गियर ऑफ वॉर 4 पीसी में रिलीज हुए हैं, लेकिन आप इन्हें खेल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा ग्राफिक वाले गेम है तो ग्राफिक कार्ड लगता ही है। लेकिन गियर ऑफ वॉर का जो पहला पार्ट है वो आप खेल सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड के। अब दोस्तों, दूसरा गेम्स हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया के गेम्स हैं। दो प्रिंस ऑफ पर्सिया टू थ्रोन्स, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉर विथिन, प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम और प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड्स आप खेल सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड के। तो ये गेम्स आप खेल सकते हो। ये बहुत अच्छी गेम है, थर्ड पर्सन गेम है ये प्रिंस ऑफ पर्सिया। और दोस्तों, प्रिंस ऑफ पर्सिया मतलब बहुत पॉपुलर गेम भी है जिसे आप विदाउट ग्राफिक कार्ड अपने पीसी लैपटॉप में खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरगॉटन सैंड्स दोस्तों बहुत अच्छा गेम है। टू थ्रोन्स भी बहुत अच्छा है जिसे आप आराम से खेल सकते हो। अब दोस्तों, मैं एक और गेम की बात करूंगा, वो है डेवल मे क्राई। अब दोस्तों, डेवल मे क्राई 2013 का गेम है जिसे आप विदाउट ग्राफिक कार्ड के खेल सकते हो, कि मैंने भी इस गेम को विदाउट ग्राफिक कार्ड के ही खेला हुआ है और मेरे लैपटॉप में खेला था ये गेम को। और ये विदाउट ग्राफिक कार्ड वाला गेम है, लेकिन है ये ग्राफिक कार्ड वाला गेम। इसके ग्राफिक्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफिक कार्ड वाला ही गेम है, लेकिन आप इसे विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले पीसी में और लैपटॉप में आसानी से खेल सकते हो। बस को आपको रेजोल्यूशन और ग्राफिक्स कम करनी पड़ेंगी तो ये गेम आप आसानी से खेल पाओगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट गेम है वो है डेडपूल। दोस्तों, ये तो विदाउट ग्राफिक कार्ड वाला गेम है जिसे आप आसानी से पीसी में खेल सकते हो। अब दोस्तों, डेडपूल जो ऐसा गेम है, डेडपुल तो आप देखी होगी, मूवी आई होगी वो आपने देखी होगी। तो डेडपुल ऐसा करेक्टर है मार्वल का जो कि विलन भी नहीं है, हीरो भी नहीं है, थोड़ा अलग ही करेक्टर है। तो बहुत ही अच्छा गेम है दोस्तों, एक्शन पैक्ड गेम है डेडपुल जो बिना ग्राफिक कार्ड के आप अपने पीसी में खेल सकते हो। अब दोस्तों, नेक्स्ट है स्लीपिंग डॉग्स। दोस्तों, ये थर्ड पर्सन गेम है दोस्तों, बिल्कुल GTA जैसा गेम है, GTA वाइस सिटी जैसा गेम है, लेकिन ये GTA वाइस सिटी से काफ़ी अलग है। ये हांगकॉन्ग चाइना पे बेस्ड गेम है और दोस्तों ये गैंगस्टर वाला गेम है जिसमें एक जो हम मेन कैरेक्टर है इस गेम का वो दरअसल पुलिस से मिला हुआ रहता है, लेकिन वो एक गैंग में शामिल होता है ताकि उस गैंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है या फिर एक पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर है, वो उसे इंफॉर्मेशन दे सके। अब दोस्तों, ये जो गेम है बहुत ही अच्छा गेम है और इसे आप विदाउट ग्राफिक कार्ड भी खेल सकते हो, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड वाला गेम है तो आपको इसमें ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन को कम करना पड़ेगा ताकि आप इस गेम को आसानी से खेल सको। काफ़ी अच्छा गेम है दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर भी गेम है स्लीपिंग डॉग्स। और ये ट्रू स्टोरी पर भी बेस है, मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है ये ट्रू स्टोरी पर बेस है। काफ़ी अच्छा गेम है, आप इसे खेल सकते हो। थर्ड पर्सन गेम है दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, एक और गेम है जो है GTA वॉइस सिटी। जी हाँ, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और ऊपर से आपने शायद ये गेम को खेला भी होगा। तो ये आप विदाउट ग्राफिक कार्ड पीसी में खेल सकते हो, इसमें ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती ही नहीं है। विदाउट ग्राफिक कार्ड वाला गेम है जिसे आप पीसी या लैपटॉप में आसानी से खेल सकते हो। वैसे तो ये गेम मैंने पूरा नहीं खेला है अभी तक, मतलब मैंने ये गेम खेला है लेकिन अभी कम्प्लीट नहीं किया, लेकिन आप इस गेम को खेल सकते हो। काफ़ी अच्छा गेम है और ऊपर से थर्ड पर्सन है तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एनी थिंग यू वॉन्ट कुछ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा गेम है ये GTA वॉइस सिटी। तो इन गेम्स को आप खेल सकते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड। कुछ गेम्स इसमें ऐसे भी हैं जो आप ग्राफिक कार्ड वाले हैं, लेकिन आप बिना ग्राफिक कार्ड के भी इन गेम्स को आसानी से खेल सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगे, रेजोल्यूशन करना पड़ेगा और अपना कहते हैं वो ग्राफिक्स का जो सेटिंग्स होती हैं वो ग्राफिक्स कम करनी पड़ेंगी आपको, बस उतना ही करना है। बाकी इस गेम को आप इन गेम्स को आप आसानी से अपने पीसी या लैपटॉप में खेल सकते हो जिसमें ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये विदाउट ग्राफिक कार्ड वाले गेम हैं जिन्हें आप खेल सकते हो, कि मैंने कुछ ऐसे गेम्स भी खेले हैं जो ग्राफिक कार्ड वाले थे लेकिन मैंने उन्हें विदाउट ग्राफिक कार्ड मैंने खेला है और वो बहुत अच्छे प्लेएबल गेम हैं जो मैंने उन्हें खेला है। तो बहुत अच्छे गेम्स हैं ये और आप इन गेम्स को आसानी से विदाउट ग्राफिक कार्ड के खेल सकते हो। तो दोस्तों,
आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हो, कोई भी कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, और अगर यूट्यूब चैनल पसंद आता है आपको तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।